रहीम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास फॉर ऑफअस इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज तंगी दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास फॉर क्लास सेवन ओपन योर बुक्स वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर वन ये ख़त्म हो चुका था अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे एक्सरसाइज ए जो है वो है कंप्रीहेंशन पेज नंबर टेन पे जो एक्सरसाइज ए है वो है कम्प्रीहेंशन कम्प्रीहेंशन जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें हमने ये फर्स्ट फाइव क्वेश्चन जो है ये करने हैं वन नंबर ए नंबर बी नंबर सी नंबर डी और ई e, ए से लेकर ई e तक हम करेंगे यानी एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर वन ए टू ई पेज नंबर टेन यूनिट नंबर वन ये हम करेंगे ये हमारे पास एसवीटी में है सो so, आप लोग अपनी एसवीटी जो है वो निकाले एसवीटी पेज नंबर फोर एसवीटी के पेज नंबर फोर पे आप लोग देखें चैप्टर नंबर वन लाइट इन द नाइट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस वट डिट पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मून लाइट मूनलाइट नाइट्स वाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दीज वैदर कंडीशन अच्छा स्ट्रीट लाइट्स से पहले यानी जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे तो लोग क्या करते थे जब आसमान साफ होता था और चाँदनी होती थी तो लोग क्या होता था और लोग इस किस्म के वैदर का मौसम का इंतज़ार क्यों करते थे बिफोर आंसर जो है इसका बिफोर स्ट्रीट लैम्प वर इंट्रोड्यूस पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट ऑन क्लाउडलेस नाइट्स एंड गो आउट टू सोशलाइज इफ द मून लाइट वॉज हैडन बाय क्लाउड्स और इफ़ द मून वॉज नॉट फुल देयर वुड बी नो लाइट यानी क्या था कि जब um, इस तरह के जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे स्ट्रीट लैंप्स नहीं थे तो लोग क्या करते थे कि इस तरह चांदनी रातों का इंतज़ार करते थे और जब आसमान साफ़ होता था तो वो एक दूसरे से मिलने जाते थे और अगर आसमान पे बादल होते और चाँद जो था वो छुपा होता तो कोई रोशनी ना होती तो उन लोगों को मतलब रात में कुछ नज़र ना आता तो इस वजह से वो कहीं जा नहीं सकते थे जब स्ट्रीट लेम्प्स नहीं थे क्वेश्चन नंबर टू बिफोर स्ट्रीट लैम्प वर इंट्रोड्यूस व्हाट वर द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ दे वेंट आउट एट नाइट अच्छा स्ट्रीट लैम्प्स के आने से पहले लोगों को रात में क्या क्या खतरात का सामना करना पड़ सकता था बिफोर स्ट्रीट लैम्पस वर इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रीट लैंप्स के आने से पहले द डेंजर्स दैट द पीपल फेस्ड वो खतरा जो लोगों को जिनको लोगों का जिनको लोगों को सामना करना पड़ता था इफ़ दे वेंट आउट एट नाइट अगर वो रात में बाहर जाते वर दे, दे कुड बी ट्रिप वो ये था कि वो टॉकर का सकते थे फॉल गिर सकते थे एंड इंजर और जख्मी हो सकते थे दमसाइल्स अपने आप को और भी अटैक फ दे विट आउट या कोई उन पर हमला भी कर सकता था अगर वो बाहर जाते क्वेश्चन नंबर थ्री हुआ लिंक बॉयज एंड वट डिड दू लिंक बॉयजे वो कौन थे और उनका क्या क्या काम था वो क्या काम करते थे द लिंग बॉयज वर यंग मैन हु वुड फॉर अ स्मॉल फी होल्ड अ बर्निंग लेट ऑफ पीपल दैट दे दे कुड सी अच्छा लिंग बॉयज़ जो थे वो वो नौजवान आदमी थे जो कि थोड़े से पैसे लेकर एक जलता हुआ मशल या अलाव जो था वो लोगों से आगे आगे लेकर जाते ताकि उनको अपना रास्ता जो है वो नज़र आए क्वेश्चन नंबर फोर डिड द वर्क ऑफ अ लैंप लाइटर इन्वॉल्व जो लेम्प लाइटर था उसका काम क्या था द दैम्प लाइटर्स उनके जो उनका जो काम था वो क्या था द दैम्प लाइटर्स वर इन्वॉल्व फॉर पेमेंट पुटिंग अप अ अब आउटसाइड द हाउस ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड मेक श्योर इट वॉज लाइट जो लैंप लाइटर्स थे उनका काम ये था कि वो पैसे लेकर घरों के बाहर जो चिराग होते थे उनको जलाए रखते थे और उन वो ये यकीनी बनाते थे कि जो लैंप्स है वो रात को जल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव रफली हाउ मैनी गैस लैम्प आर देयर इन लंदन टुडे ये लास्ट में हमने पढ़ा था कि आज आज यानी मॉडर्न लंदन में अब कितने गैस लैम्प्स हैं इन लंदन टुडे देयर आर रफली 1500 गैस लैंप्स लंदन जो है इसमें तकरीबन अब जो है बेमश्क पंद्रह सौ गैस लैंप्स जो है हमने पढ़ा था कि कैनिंगस्टन पैलेस गार्डन जो है वहाँ पर ये गैस लैंप्स है और ये किस लिए है ये इसलिए है ताकि जो सिटी की जो हिस्ट्री है जो लंदन की हिस्ट्री है वो लोगों को याद रहे कि चार्ल्स डिकन्स के ज़माने में जो लंदन था वो कैसे दिखता था अच्छा अब इसमें हमारे पास जो एस वी टी थी उसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था वो वर्किंग विद वर्ड्स था इससे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है पेज नंबर एलेवन पे बुक में वो है कॉपी द सेंटेंस दैट आर ट्रू चेंज द वंस दैट आर नॉट ट्रू सो दैट दे आर करेक्ट एंड देन राइट देम आउट ये ट्रू फॉल्स है और इसको आप लोगों ने करना है जो इसमें ट्रू है वो इस तो सही है जो फॉल्स है उसको आप लोगों ने ट्रू करके लिखना है फिर है वर्किंग विद वर्ड्स थिंक ऑफ सिटेबल एडजेक्टिव टू यूज़ विद दीज नॉन जूम ए चूज़ वर्ड्स फ्राम द टेक्सट और यूज यूअर ओन य आप लोग के कोर्स में नहीं है सो क्वेश्चन नंबर टू विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी एंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स अगेन इन द पैसेज गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड गिविन बिलो आल्सो फाइंड अ वेरी डिफरेंट मीनिंग फॉर ईच वर्ड अच्छा इसके आप लोगों ने सिर्फ मीनिंग फाइंड uh, करनी है और फिर उसको आप लोगों ने अपने जो सेंटेंसेज है यूर ओन सेंटेंसेज है उसमें यूज़ करना है तो इसके जो वर्ड्स मीनिंग है ये मैं आप लोग को पहले कर चुकी हूँ रीडिंग के दौरान मैं आप लोग को उनकी मीनिंग्स बता चुकी हूँ लिखवा चुकी हूँ जो बी नं वर्किंग विद वर्ड्स का जो टू नंबर क्वेश्चन है वो हमारे पास आ, जो एस वी टी है उसके पेज नंबर फाइव पे है यहाँ पर देखें वर्किंग विद वर्ड्स वर्ड सेंटेंसेस ये वर्ड सेंटेंसेस है ये कैपिटल नंबर फर्स्ट इज़ कैपिटल इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ अ कंट्री हमारे हमारी जो कंट्री है इसका कैपिटल कौन सा है इस्लामाबाद है दारुल खिलाफा जो है वो कौन सा है तो वो इस्लामाबाद है ट्रिप इफ़ देर इज़ डार्कनेस पीपल व ट्रिप इन दाटर अगर अंधेरा होता तो लोग जो थे वो दरिया में गिर सकते थे पानी में गिर सकते थे थ्री नंबर लाइट इन लंडन देयर आर मैनी लाइट्स लंडन में जो है बहुत सारे लाइट्स हैं इशू मसले को कहते हैं द प्रिंसिपल विल इशू माई अच्छा यहाँ पर इसके दो मीनिंग्स हैं इशू जो है बुक में जो हमने पढ़ा था वो मसला है यहाँ पर जो इशू है ये अदा करने वाला है द प्रिंसिपल विल इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रिंसिपल जो है वो मुझे मेरा स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट दे देगा यानी इशू दे देना अदा करना ये दूसरे वाली मीनिंग जो है इसकी यूज़ हुई है यहाँ पर ऑपरेट देर इज़ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स टू ऑपरेट न्यू मशीन यहाँ पर काम करने का, काम करने वालों का की कमी है ताकि ये जो नई मशीनरी है इसको आ, इसको ऑपरेट कर सके चला सके यहाँ पर इशू के लिए हम दूसरी सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल विल सोल्व माई ईशू या द प्रिंसिपल विल सोल्व दिस इशू ऑफ फाइट या जिस किस्म की आ, भी आप लोग इसको आ, डबल मीनिंग में कर सकते हो यानी ये मीनिंग भी कर सकते हो इशू वाला और ये जसले वाला है वो भी आप लोग लोग कर सकते हो ये तो आज आप लोग की क्लास हो आप लोग को समझ आ चुकी होगी शुक्रिया